जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त हरिपाल सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हरिपाल यूपीपी मोटिवेशन पर। और आज ये वीडियो हमने खासकर महिलाओं के लिए बनाई है, तो पुरुष जो है जा सकते हैं, ठीक है, वो नहीं देखें तो कोई बात नहीं, तो महिला इसको थोड़ा एकदम देखेंगी, क्योंकि काफ़ी बहनों के हमारे कॉमेंट्स आए थे और हमारी फ़ोन पर भी बात हुई, तो उन्होंने अपना बताया कि इसका तो वेट का बताइए, तो वेट के बारे में बात करेंगे कि आपको वेट लेके दौड़ना है कि नहीं है, क्योंकि मैंने इसका नोटिफिकेशन पूरा रीड किया है, तो मैं इसके बारे में पूरी चर्चा करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे जो फॉरेस्ट गार्ड की ये जो है भर्ती 2019 वाली है, और 2022 में ये इसका एग्ज़ाम वगैरह हुए, 2023 में ही कंप्लीट होगी। तो महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है, हाइट आप देख लेंगे 152 सेंटीमीटर आप लोगों की हाइट मांगी गई है, और ST की 147 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद रनिंग 14 किलोमीटर की है 4 घंटे। अब बात आती है 10 kg वेट लेके दौड़ना है या नहीं, 10 kg वेट की बात है, तो इस पे हम अभी चर्चा करेंगे। इसके बाद में वेट कितना होना चाहिए महिलाओं का, 45 kg वेट से 58 kg वेट के बीच में होना चाहिए, ठीक है, के बीच होना चाहिए, ठीक है, इससे कम ना हो, इससे ज़्यादा ना हो, अभी तक उसके अनुसार यही दिया है, ठीक है। और महिलाओं के लिए जो भी ये कैसी है तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो एक तो आपका ये डाउट क्लियर कर देता हूँ, मैंने खुद नोटिफिकेशन खुद पढ़ा है, उसमें दिया है कि पुरुषों को 10 किलो वेट के साथ दौड़ना है, ठीक है, पुरुषों को 10 किलो वेट के साथ दौड़ना है, और महिलाओं का वहाँ पर कोई जिक्र नहीं किया है। कहो तो मैं उसका स्क्रीनशॉट भी है मेरे पास में, आपको मैं दिखा दूँगा, ठीक है, तो कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूंगा उसका जो है स्क्रीनशॉट भी। तो इसमें आपको वेट लेके नहीं दौड़ना है, बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दें, वेट लेके नहीं दौड़ना, सिर्फ आपको 14 किलोमीटर 4 घंटे में दौड़ना है, ठीक है। इसके बाद में महिलाओं के लिए जॉब कैसी है, देखो महिलाओं के लिए जॉब अच्छी है, इसमें ड्यूटी तो दिन की ही है, और आपको ये सोचते होंगे कि हमको तो वनों में क्या पता रात को दिन को अकेले जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सपोज़ करो, वैसे तो अधिकतर आपकी ड्यूटी जो नेशनल पार्क वगैरह उनमें रहती है, उसके बाद में ऑफिस में ही आप लोगों की ज़्यादा ड्यूटी रहती है। अगर सपोज़ करो अगर वन में लगती भी है आपकी ड्यूटी, तो आप अकेले नहीं जाएंगे, आपके साथ में कई लोग मिल के जाएंगे बीट में, तो आप चिंता ना करें। और जॉब बहुत बढ़िया है, और प्रमोशन आप जान ही रहे हैं, नंबर एक का प्रमोशन है। तो महिलाओं के लिए छोटी सी जानकारी थी, परंतु बहुत बड़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए। और जो लोग नए जुड़े हैं बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि महिलाओं को इस बार फ्लेक्शन अपना लेना है, और आपको दमदारी से रेस निकालनी है। थोड़ी मेरिट पर बात कर लेते हैं, कुछ का बहनों के हमारे मेरिट के भी हैं कि कहाँ तक मेरिट रहेगी। तो नंबर आप अगर बात करें तो नंबर अभी आप जान लें 110 से 120 के बीच में किसी भी कैटेगरी में हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा, जो अभी तक का आंकड़ा है। तो 110 से 120 के बीच में उम्मीद लगती दिखाई दे रही है, 2-4 नंबर आगे पीछे तो हो ही जाते हैं। तो आपके अगर इस रेंज में नंबर है तो अपनी एकदम दमदारी से रनिंग की तैयारी करें, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।